संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे के बैनर तले सहारा इंडिया के निवेशक और अभिकर्ता ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज निवेशक अभिकर्ताओं के शहादतगंज बाईपास के पास धरना प्रदर्शन किया। सुब्रत राय और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर सहारा में भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं आदि के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संघर्ष न्याय मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने बताया कि लगभग 10 लाख लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। ज्ञान क्यों हट जा रहा है? आखिर वो लोग किस प्रभाव में हैं जिसके नाते देश के इन गरीब पीड़ित निवेशकों का की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि आप लोग गंभीरता के साथ सुब्रत राय जैसे महापापी ठग बेईमान को जिसने देश के गरीब पीड़ित लोगों का पैसा कुटरचित साजिश करके हड़पा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगाते हैं और वो कोई शख्स जो भ्रष्टाचार करेगा जो लोगों को प्रताड़ित करेगा उसके संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवा दिया कर जाएंगे, नेस्तनाबूत कर देंगे। लेकिन मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे बैठा सुब्रत राय जैसा महापराध जिसके ऊपर 1000 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे हैं अपराध समेत, सुब्रत राय को कौन सा ऐसा कानून और कौन सी ऐसी बातें हैं जो रोकी हुई है कि उसका अवैध घर बना हुआ है 1.5 किलोमीटर आपसे सबका सार एक, ना कोई सरकार बुरी, ना कोई मीडिया बुरी, ना कोई कानून व्यवस्था बुरा, उसका पालन कराने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस नाते हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ा है, पैसा वापस करें, सरकार सुब्रत राय की संपत्ति बेच के वापस कराए, जेल भेज के वापस कराए, किन्हीं परिस्थितियों में देश के निवेशकों और जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराए। 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ लोगों का 1.5 लाख से लेकर 3 लाख करोड़ तक पैसा फंसा हुआ है और आज ना सरकार बोल रही है ना सुब्रत राय। क्या नाम है? अभय देव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। भी एक ही मांग है कि हमारे सम्मानित निवेशक का जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जो है निवेश किए थे उसका भुगतान चाहे सहारा करे या सरकार करे। अगर सहारा या सरकार नहीं करती है तो इस जन आंदोलन को हम 15 तारीख से हम लोग जो है जो हर जोन पे जो है आमरण अनशन के रूप में जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक जो है हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बस इसी यही बात हमको कहना था, खाली हमको भुगतान चाहिए और सरकार या सहारा से हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है? अरविंद सिंह,